हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम जो है लाइनअप हो चुके हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस का हो, चाहे वो ट्रिपल एससी का हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को क्वेरी लिखी है कि सर करंट अफेयर जो है आप हमें करा दीजिए, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में एक कॉमन जो चीज़ आने वाली है वो करंट अफेयर, वो चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एफआरओ का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में जो है उत्तराखंड की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के लिए मैंने इससे पहले जो है क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें मैंने 5 लेक्चर्स मैंने लिए थे। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं एक न्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, आज उसका पहला लेक्चर है। इस सीरीज़ में मैं क्या करूँगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको जो है करंट अफेयर जो है रिवाइज़ कराऊँगा। ये रिविजन लेक्चर्स हैं, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको लास्ट मिनट पे जो है करंट अफेयर आपने चाहे पूरे साल आपने फॉलो किए हुए हैं, लेकिन लास्ट मिनट में जो आपको करंट अफेयर जो है रिवीजन अगर आप ना करो तो शायद आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स को रिकॉल करना। तो इसी को जो है आपकी इसी चीज़ को पूरी करने के लिए मैंने ये लेक्चर्स जो है मैं अपलोड करूँगा। आज पहला लेक्चर है, तो ये उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड ट्रिपल एससी दोनों जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, इन दोनों एग्ज़ाम दोनों आयोग के, तो इन सब के लिए ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लेक्चर्स, ठीक है। चाहे आप वीडियो का एग्ज़ाम कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस का कर रहे हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर पीसीएस के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हाँ, आइए देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए कवर कर लिए, क्योंकि जिसके लिए अभी 12 दिसंबर को जिसका एग्ज़ाम है और उसके लिए काफ़ी जो है स्टूडेंट्स के अंदर जो है थोड़ी सी हलचल मच चुकी है, क्योंकि जो आयोग ने जो डेट एकदम से दे दी और 15-20 दिन का उन्होंने टाइम पीरियड दिया, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे इस वक्त जो है प्लान नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज़ को। तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे स्टडी सिलेबस एंड पैटर्न का जो वीडियो था वो मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने सिलेबस और उत्तराखंड पीसीएस का जो पैटर्न है वो मैंने डिस्कस किया है। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेलेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है लास्ट के 15-20 दिन में, क्योंकि अब लास्ट के 15-20 दिन में आप कोई भी किताब को उठाओगे तो पूरी किताब को आप ना तो पॉसिबल है करना और ना ही फिजिबल है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ मैंने अपने एक वीडियो में डाला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एप्टीट्यूड सेक्शन, क्योंकि हमें पता है 50 नंबर का एप्टीट्यूड आने वाला है और काफ़ी कम बच्चे होते हैं जो मैथ्स में थोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैथ्स से थोड़े डरते हैं या फिर मैथ्स तो उनका वीक होता है। तो उन लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं एप्टीट्यूड में, जहाँ पे आप इजीली 15 से 20 मार्क्स जो है आउट ऑफ 50 कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सीरीज़ लॉन्च की है मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, जहाँ पे मैंने अगेन बोला कि जो लोग वीक है मैथ्स में उनको मेरा एम है कि एटलीस्ट 15-20 मार्क्स जो है उनका 50 में से मैं लाने की कोशिश करवाऊँ। तो उनके लिए मैंने एक सीरीज़ लॉन्च की है, इसका लेक्चर 1 हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स लिए हैं, वो मैं फुल्ली फ्लेश लेक्चर्स हैं, ऑब्वियसली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे के पूरे जैसे जो है फ्री हैं, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है मैंने डिस्कस किया है कि लोअर पीसीएस का जो है कट ऑफ कितना गया था अलग अलग कैटेगरीज के लिए, तो आप अपनी कैटेगरीज के हिसाब से उसको देख सकते हो और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई थी, और उसी हिसाब से आपको अपनी जो है एग्ज़ाम देनी है। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस किया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लास्ट के 15-20 दिन में आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पढ़ें, आप हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ें, आप इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ें, तो इस सब चीज़ के बारे इस सब चीज़ों में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं, और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स जो है कवर कर दिए, ताकि एक बेटर पिक्चर आपके पास क्लियर हो जाए और आप अपना सारा फोकस जो है पढ़ाई में लगा सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। तो पहला टॉपिक हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ये है, उत्तराखंड इंपोर्ट्स 240 मेरिनो शिप्स फ्रॉम डैश टू इम्प्रूव ब्रीडिंग। सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है इस न्यूज़ से कि मेरिनो जो है एक शीप की प्रजाति है, मेरिनो जो है एक भेड़ की प्रजाति है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं कि मेरिनो किस चीज़ से संबंधित है, ये बता देंगे लॉयन से संबंधित है, टाइगर से संबंधित है, शीप से संबंधित है, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये एक शीप की प्रजाति यानी भेड़ की प्रजाति है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 है,
ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे जो है इंडिया ने जो है इम्पोर्ट की है। इससे क्या होगा, ये हम जो है अपने उत्तराखंड में लेके आएंगे और जो है जितने भी लोग इस पे डिपेंडेंट होते हैं, शीप पे डिपेंडेंट होते हैं, जो शीप का जो ऊन होता है ऊन से निकाल के कपड़े बनाते हैं या फिर जो भी इसका प्रयोग करते हैं उनके लिए, उनको उनको बढ़ावा देने के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने जो है 240 मरीनो शीप जो है इम्पोर्ट करने का फैसला लिया है और ये ऑस्ट्रेलिया से किया है। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर एसोसिएशन अवार्डेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2021 टू डैश असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो अवार्ड मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड, ये फिजिक्स के एक प्रोफेसर को मिला है जो पंतनगर यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी है, डॉक्टर अमित केसरवानी जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो आपको इसमें दो चीज़ याद रखनी है कि एक तो पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मिला है, ठीक है, और किस में मिला है, फिजिक्स में मिला है, ये आपको याद रखना है, फिजिक्स में मिला है, ठीक है। और आपको ऑब्वियसली नाम तो याद रखना ही है, डॉक्टर अमित केसरवानी, ठीक है, डॉक्टर अमित केसरवानी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट डेवलपमेंट काउंसिल एशियाज फर्स्ट अकेडमी हैंडपैन ओपन्ड अ कलरफुल टू डे म्यूजिकल फेस्टिवल इन विच सिटी। हमें सिटी का नाम बताना है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से एशिया की पहली अकादमी के हैंडपम्प ने एक रंगीन दो दिवसीय संगीत समारोह कहाँ पे किया। तो इसका आंसर ऑप्शन थ्री ऋषिकेश है, ऋषिकेश में एक कार्यक्रम हुआ था। और आपको यहाँ पे फिर से अगेन एक और चीज़ याद रखनी है कि एशिया की पहली एकेडमी है हैंडपैन की, ठीक है, पहली एकेडमी है हैंडपैन की है और उन्होंने अपना जो पहला शो है वो ऋषिकेश में किया है, ठीक है। अगली न्यूज़, इन अ मूव टू प्रोवाइड रिस्पाइट टू रिमोट एंड रूरल एरियाज ऑफ उत्तराखंड द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दैट रूरल हाउस होल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड विद वाटर कनेक्शन एट ₹ इंस्टेड ऑफ अर्लियर 2350। यानी मैंने ये आपको अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की क्रैश कोर्स ली है उसमें मैंने न्यूज़ आपकी ये कवर की थी, ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है ₹1 में यानी ₹1 में जो है पानी का कनेक्शन दे रही है, पानी कनेक्शन जो है दे रही है। तो इसमें यही पूछा है कि कितने रुपए में दे रही है, 10 रुपए में दे रही है, 50 रुपए में दे रही है, 1 में दे रही है, 2 में दे रही है। ऑप्शन 3 इसका आंसर है, ऑप्शन 3 यानी 1 रुपए में दे रही है और ये जल जीवन मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का उसके साथ मिलकर उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड इन उत्तराखंड पुलिस विद शाइनिंग वर्ल्ड केयर फॉर कोविड वॉरियर। तो उत्तराखंड पुलिस में एक व्यक्ति को शाइनिंग वर्ल्ड केयर का जो है अवार्ड सबसे सम्मानित किया गया है, उनका नाम है ऑप्शन 3 मनीष पंत जी। मनीष पंत ने क्या किया था, कोरोना के दौरान जो है अपनी ड्यूटी का बहुत अच्छी तरह से सहयोग करते हुए उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से भी लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराई, मेडिसिन प्रोवाइड कराई और इसी नेक काम के लिए उनको ये सम्मान दिया जाता है। हैट्स ऑफ टू यू सर, मनीष पंत जी को मेरा भी सलाम। हम सब स्टूडेंट्स के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सब के हम सब की तरफ से एक बहुत बड़ा सल्यूट मनीष पंत जी को ऐसे कार्य करने के लिए। हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी अपने देश के लिए एक ना एक दिन ऐसे काम करेंगे और ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छे इंसान साबित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उत्तराखंड के डैश विभाग में सीता माता की भूमि समाधि स्थल पर सीता नसू में रण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब आपको बताना है कि कहाँ पे यह किया जाएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा जिसने भी उत्तराखंड के बारे में पढ़ा है कि सीता मैया ने जो अपनी जो है सीता मैया की जो समाधि है वो उत्तराखंड में है, जो समाधि स्थल है वो उत्तराखंड में, आपको बताना है वो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऑप्शन 4 पौड़ी में है ये, ठीक है, पौड़ी में है ये, तो बहुत सिंपल हो जाता है ये चीज़ें, तो मुझे लगता है सबको पता होती है ये चीज़ें। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन डैश जनवरी एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। तो इसमें बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से दिन को जो है पराक्रम दिवस बनाने का फैसला किया है, तो हमें बताना है कि कौन से दिन का जो है किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 23rd जनवरी को यहाँ पे उन्होंने बनाने का फैसला किया है, 23rd, ठीक है, 23rd जनवरी को यहाँ पे
पराक्रम दिवस जो है बनाया जाएगा, पराक्रम दिवस बनाया जाएगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि 25 जनवरी को और क्या क्या इंपॉर्टेंट डे होते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है, नेशनल वोटर्स डे। इसके साथ साथ एक और हम बनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे। ये चीज़ आपको नोट करनी है, क्वेश्चन में आराम से आ सकता है। 30th को हम बनाते हैं मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, मार्टियर्स डे। 15th को हम बनाते हैं इंडियन आर्मी डे, 15th ऑफ जनवरी को आर्मी डे बनाते हैं हम। और 23rd को हमने बताई दिया आपको कि पराक्रम दिवस हम बनाएंगे। तो 25 को नेशनल वोटर्स डे, 25 को टूरिज्म डे, 30 को मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, और 15 को इंडियन आर्मी डे। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है जनवरी की, आपको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ एंगेज्ड इन द डैश मिशन एक्सरसाइज लाइक अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया है अरुणाचल प्रदेश की तरह, तो वो कौन से जो है फ्रूट में चलाया है। तो जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे, कीवी जो है इसका आंसर है। कीवी, कीवी की जो है यहाँ पे तर्ज पे, अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पे कीवी की जो है एक स्कीम चलाई उत्तराखंड ने, जो कि कीवी कीवी मिशन योजना के नाम से जो ये चलाया गया है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश, और साथ ही में नबार्ड का भी जो है इसका रोल लेने वाला है। तो ये तीनों मिलके जो है ये जो है स्कीम जो है चलाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुराग रमोला ऑफ डैश सिलेक्टेड फॉर द पीएम नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो अब इसमें हमें बताना है कि ये जो अनुराग रमोला जो हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, जिन्हें आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो है सम्मानित किया गया है नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड। तो ये जो है देहरादून ज़िले के हैं, तो हमें इस चीज़ से याद रखना है कि अनुराग रमोला पहली बात तो ये आर्ट एंड कल्चर में जो है इन्होंने पुरस्कार हासिल किया है आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, और ये देहरादून ज़िले के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चल लेते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य गौरव सम्मान बाय द कैनेडियन राइटर्स गाइड ऑफ गिल्ड ऑफ कनाडा फॉर लिटरेरी वर्क्स। यानी किन ऐसे व्यक्ति को कनाडा राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा ने लिटरेरी वर्क्स के लिए साहित्य गौरव सम्मान दिया है। तो इसका आंसर जैसे कि फोटो आप देख पा रहे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, साहित्य गौरव सम्मान जो है उनको मिला है, ठीक है, जो कि ये कौन दे रहा है, कैनेडियन राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा, गिल्ड ऑफ कनाडा जो है ये दे रहा है, कनाडा गिल्ड ऑफ कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्कीइंग ऑन द ब्यूटिफुल स्नोई स्लोप्स ऑफ ओली, टूरिस्ट विल ऑल्सो बी एबल टू फुलफिल द पैशन ऑफ फिश एंगलिंग इन द रिवर्स ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें बोल रहे हैं कि ओली की खूबसूरत बर्फीले ढलानों पर स्काइंग के अलावा पर्यटक कौन से डिस्ट्रिक्ट की नदियों में मछली के कारण को के जुनून को भी पूरा करने में सक्षम होंगे। यानी जो है फिशिंग को एक टूरिज्म के प्रस्पेक्टिव से जिसको कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रमोट किया जाएगा जहाँ पे फिशिंग को एज ए टूरिज्म के इमेज के साथ प्रमोट किया जाए। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन सी चमोली इसका आंसर है। चमोली ज़िले में फिशिंग को जो है एक टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए फ़िशिंग को जो है यहाँ पे ओली की, जैसे ओली में स्कीइंग होती है, बर्फीले स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स आइस स्पोर्ट्स होते हैं, तो ऐसे ही चमोली को जो है मछलियों को बढ़ावा देने के लिए, मछलियों को टूरिज्म की तरह यूज़ करने के लिए चमोली ज़िले ने स्टेप्स लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर एसोसिएशन अवार्डेड डॉक्टर APG अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिमीट हो गया, अमित खेसरवानी जो है इसका आंसर है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, सॉरी, ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला देख लेते हैं। हु बिकेम द न्यू वाइस चांसलर ऑफ दून यूनिवर्सिटी। दून यूनिवर्सिटी के जो है कौन वाइस चांसलर जो है बने हैं। तो इसका आंसर जो है सीधा, कुछ इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सुरेखा दंगवाल जी को यहाँ पे बनाया गया है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, दून यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर बनाया गया है। नेक्स्ट, अ नेशनल लेवल सैंड आर्ट फेस्टिवल
नेशनल लेवल सैंड आर्ट फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन मार्च अप्रैल दिस ईयर एंड द आर्ट फेस्टिवल विल बी बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ माइथोलॉजी एंड द कुंभ फेयर। काफ़ी इजी सवाल है। इस वर्ष मार्च अप्रैल में गंगा किनारे कहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय स्तर का रेत कला उत्सव आयोजित किया जाएगा और कला उत्सव पौराणिक कथाओं और कुंभ मेले के विषयों पर आधारित होगा। ऑब्वियसली उत्तराखंड में आपको पता है कि इस बार कुंभ मेला हुआ था, तो यहाँ पे आपको बस इससे एक और इन्फॉर्मेशन लेनी है कि रेत कला उत्सव जो है हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है, तो उत्तराखंड ने बनाया था रेत कला उत्सव। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमने जो है कुंभ मेला के टाइम पे जो है इसको आयोजित कराया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर स्टार्टिंग द डैश मेगावाट सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, रुद्रप्रयाग की जो ये जो आपका डैम बनेगा इसमें आपकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसकी कैपेसिटी जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कैपेसिटी जो है 50 मेगावाट है, ठीक है। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि सिंगोली भटवारी हाइड्रो पावर की जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कैपेसिटी जो है कितने मेगावाट है, तो इसका आपका आंसर है 50 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तराखंड फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू कम एट डैश एंड द पंतनगर यूनिवर्सिटी वॉज सिलेक्टेड फॉर वेरियस लैंड ऑप्शंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो कहाँ पे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, आपको यहाँ पे हिंट मिल गया आपको क्वेश्चन में, पंतनगर यूनिवर्सिटी। तो पंतनगर यूनिवर्सिटी आपको पता है उधम सिंह नगर में, और ये चीज़ मैंने आपके करंट अफेयर क्रैश कोर्स में भी कराई थी, ठीक है। तो वहीं से हमने ये क्वेश्चन बनाया मैंने, तो उधम सिंह नगर में जो है अपना पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है उत्तराखंड का, आपको जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड फोक सॉन्ग्स हैव बीन रैंक्ड डैश इन द नेशनल आर्ट फेस्टिवल। तो एक नेशनल आर्ट फेस्टिवल हुआ था उत्तराखंड में, आपको ये बताना है इसमें कि कौन से रैंक जो है हमारी आई है इस जो है ये जो फेस्टिवल होता है इसमें जो है हमारी कौन सी रैंक आई है। तो इसमें हमारी फर्स्ट रैंक आई है, तो ये फर्स्ट रैंक आने के कारण ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है एक अच्छा फेस्टिवल माना जाता है हमारे देश में। तो उत्तराखंड का जो फोक सॉन्ग्स है, उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स को पहला नंबर स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बागेश्वर की डॉटर यानी बागेश्वर की बेटी ने राष्ट्रीय कला महोत्सव के पहाड़ के लोकगीत गाकर पहला स्थान हासिल किया है और वह कक्षा 9 की छात्र हैं। तो इनका हमें नाम बताना है कि कौन ये महिला हैं या फिर कौन ये बच्ची हैं जिन्होंने जो है ये कारनामा किया है। इनका नाम ऑप्शन 3 ईशा धामी जी है, ठीक है। ईशा धामी जी ने यह बागेश्वर की बेटी बेटी के नाम से इनको सम्मान दिया गया है, तो इनका नाम हमें याद रखना है ईशा धामी, ठीक है। इस न्यूज़ से हमें याद रखना कि उत्तराखंड जो है फर्स्ट आया था, ठीक है, फोक सॉन्ग्स में और ईशा धामी जो है उन्होंने उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। IAF प्लान्स टू सेट अप एन एयर डिफेंस रडार्स इन डैश उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट्स। कितने डिस्ट्रिक्ट में जो है IAF जो है ये एयर डिफेंस रडार जो है लगाने की कोशिश कर रहा है फिर लगाएगा। तो इसका आंसर 3 है, ऑप्शन 3, 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है IAF जो है ये एयर डिफेंस रडार लगाएगा। तो एयर डिफेंस रडार होता क्या है, बेसिकली एयर डिफेंस रडार जो है ये जहाँ पे लगाते तो आने वाले जो एनिमी के जो मिसाइल्स होने वाले उसको ये जो है ट्रैक कर लेता है मिसाइल्स को या फिर कोई भी अनआर्म्ड व्हीकल को जो है इसको जो है ये ट्रैक कर लेता है और इनको जो है संपर्क करा देता है। यहाँ पे जो है यूनिट होती है बेसिक जो है ग्राउंड स्टेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के लगाया जाएगा। आइए देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है लगाया जाएगा ये। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज सेड दैट द इंडियन एयरफोर्स शुड डेवलप द एयर स्ट्रिप्स इन चमोली डैश एंड पिथौरागढ़ फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन पर्पस। अब हमें बताना है कि कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा ये। तो क्वेश्चन में आपको पहले ही देख लिया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है ये, ठीक है। एक तो चमोली में लग रहा है, चमोली दिया हुआ है, पिथौरागढ़ दिया हुआ है,
पिथौरागढ़ दिया हुआ है, और तीसरा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट में जो है एयर डिफेंस जो है रडार लगेगा उत्तराखंड की। ठीक है, अगला इससे संबंधित एक और क्वेश्चन। छिन्यालीसूर एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज माँ गंगा एयरपोर्ट एंड धरासू एयरपोर्ट और भरकोट एयरपोर्ट विच हैज सेलेक्टेड फॉर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ एयरफोर्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि ये छिन्यालीसूर एयरपोर्ट है या फिर माँ गंगा एयरपोर्ट उसको बोलते हैं, धरासू एयरपोर्ट बोलते हैं, फिर भरकोट एयरपोर्ट बोलते हैं, ये कौन सी जगह का एयरपोर्ट है आपको ये बताना है। इसका आंसर ऑप्शन टू उत्तरकाशी है। सॉरी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो है आपका हवाई अड्डा है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। धरासू आपको नाम याद होना चाहिए कि धरासू है, भरकोट है, भरकोट है, ठीक है, और ये थोड़ा मुश्किल से जो नाम है छिन्यालीसौर, ठीक है, छिन्यालीसौर हवाई अड्डा, माँ गंगा भी इसको बोला जाता है, माँ गंगा, तो उत्तरकाशी का है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर। द फर्स्ट डिजिटल स्टेशन ऑफ उत्तराखंड इज लॉन्च्ड विद द नेम ऑफ डैश। पहला उत्तराखंड का जो स्टेशन है वो किस नाम से जो है लॉन्च किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन थ्री, ओहो रेडियो के नाम से जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। जी, तो ये ओया ओहो रेडियो के नाम से जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा इसको, और इनको एस्टैब्लिश करने वाली जो जिनका नाम है वो जे काव्या, ठीक है, जिनको जिनका पूरा नाम कविंदर कविंदर सिंह आरजे कविंदर सिंह मेहता, ठीक है, इन्होंने जो है ये पहला डिजिटल रेडियो नेशन जो है ये जो है लॉन्च हुआ है इनके नाम से, ओहो रेडियो, जिन्होंने आरजे काव्य जो है इन्होंने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवलसार रीजन इन डैश डिस्ट्रिक्ट इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि देवलसारी जो है रीजन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि देवलसार रीजन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है कौन से एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है। तो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, उस एक्ट के तहत जो है बायोडाइवर्सिटी जो कोई भी एरिया जो है उसको अगर बायोडाइवर्सिटी जो है डिक्लेयर करना हो तो उस एक्ट के तहत किया जाता है। तो ऐसे ही देवलसार रीजन जो है, जो उत्तराखंड जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का है, ये जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है उत्तराखंड की बनाई जाएगी। तो ये भी अगर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये फर्स्ट बनाई जाएगी, ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत विजिटेड द रिमोट दुर्मी वैली इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफवर्ड। तो आपको बताना है कि दुर्मी वैली जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, दुर्मी वैली। तो एनी गैसेस आप जो है, अच्छा ये क्वेश्चंस जो है जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इसको जो है आपको पहले खुद से जो है पॉज करनी है वीडियो, और उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आप जो है इनका आंसर जो है खुद से दे पाओ, क्योंकि अगर आप खुद से आंसर दे पाओगे तो शायद आपको अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, और फिर उसके बाद आप ज़्यादा बेटर जो है बता पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो इसको जो है आप कोशिश करनी है कि आप खुद से जो है इसको आंसर्स को जो है प्रोवाइड आंसर जो है आप एक बार खुद से देखो, और उसके बाद फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको उसके बाद देखो कि आंसर आपका सही है या नहीं है, ठीक है। ऐसे जो है आपको इन लेक्चर्स का जो है ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें सिर्फ जो है मेरे से अगर फर्स्ट टाइम ये करंट अफेयर पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, अगर लेकिन आपने पहले भी करंट अफेयर जो है किए हुए हैं तो आपको एटलीस्ट आपको कोशिश करो कि आप जो है आंसर लाने की, या फिर आंसर आपको पता होने की एटलीस्ट आप गेस मारो, क्योंकि चार जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो है ऐसे आपको करनी है चीज़ें, उसके बाद हम कर लेते हैं। चलो आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर थ्री चमोली है, चमोली ज़िले में आपको पड़ता है ये। तो अगेन अगर जहाँ पे भी सीएम जाते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये वैली जो है वो गए थे तो चमोली ज़िले में है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कयाकिंग ऑफ डैश इज वन ऑफ द फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड हैज गेन्ड मच पॉपुलैरिटी अमंग टूरिस्ट फॉर ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कयाकिंग जो है हमारे हमारे स्टेट में कहाँ पे होती है। आप सभी को पता है ऋषिकेश में आप जाओगे तो यहाँ पे राफ्टिंग कयाकिंग ये सब होती है, आपने लोगों ने भी की भी होगी, मैंने तो बहुत की है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, कयाकिंग जो है ऋषिकेश में होती है, इसमें जो है कुछ एलिब्रेशन ज़्यादा करनी नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वहीं से रिलेटेड है। डैश रेजिडेंट नैना अधिकारी, पहले आपको नाम याद होना चाहिए कि नैना अधिकारी है सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन उन्होंने ली है, फर्स्ट पोजीशन इन द वुमेन बोटर क्रॉस प्रो कंपटीशन एट द गंगा कायाक फेस्टिवल 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल इन ऋषिकेश फ्रॉम 1719। तो आपको बस सिंपली ये बताना है कि इसमें कौन, जो एक तो नैना अधिकारी आपको याद नाम ही होना चाहिए, नैना अधिकारी को पहली पोजीशन मिली है, और आपको बताना है कौन कौन सी जगह की रहने वाली है नैना अधिकारी जी। तो ये नैनीताल की रहने वाली है, नी फॉर नाम से पता लगा रहे हैं कि नैना नैना एन फॉर नैना एन फॉर नैनीताल। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद कर लेना है। तो आपको ये बताना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन इन्होंने कायाकिंग में जो है लेके आई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रीच्ड निजामुला वैली, निजामुला वैली जो है पहुंचे थे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द निजामुला वैली इज इन डैश। तो आपको बताना है कि निजामुला वैली जो है कहाँ पे है। अगेन निजामुला वैली में सीएम गए तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन थ्री चमोली में है, ये चमोली ज़िले में ये है, तो इसको भी आपको बताना होना चाहिए कि ये जो है एडवेंचर एडवेंचर साइट बनाई जा रही है ताकि उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको टूरिज्म के प्रस्पेक्टिव से प्रमोट कर पाए। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर में इसको प्रमोट करना है, निजामुला वैली चमोली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लखवार हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ 300 मेगावाट इन देहरादून, कहाँ पे ये लखवार हाइड्रो प्रोजेक्ट, पहले आपको पता ये चीज़ देख लेनी है कि लखवार जो है देहरादून में है, इज़ अ मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन द डैश रिवर एंड ऑल्सो अ नेशनल प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है पहली बात तो लखवार प्रोजेक्ट कहाँ पे है, लखवार प्रोजेक्ट जो है देहरादून में है, लखवार प्रोजेक्ट देहरादून में है, और इसके साथ साथ ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, कौन सी रिवर बना हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन थ्री यमुना है, यमुना रिवर पे जो है ये बना हुआ है। ठीक है, और ये नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट भी है, 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ब्रिक ऑफ संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट फाउंड एट अश्वमेधा साइट इन विच डिस्ट्रिक्ट। अगेन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत शिलालेख की ईंट अश्वमेध स्थल पर किस जिले में मिली। तो आपको बताना है कौन से जिले में मिली है, चंपावत, उधमसिंह नगर, देहरादून, अल्मोड़ा। आंसर थ्री देहरादून इसका सही आंसर है। ठीक है, देहरादून जिले में ये मिली थी, और आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है कब स्टार्ट हुई थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है कब स्टार्ट हुई थी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट अगर आपको देखा तो अशोका के टाइम से जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका आंसर देहरादून है, ये आपको पता होना चाहिए, देहरादून ये जो है यहाँ पे मिली है ये वाली ईंट, तो क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरि सिंह धापा हु हैज़ बीन अवार्डेड द देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड, अ रेजिडेंट ऑफ नैना सैनी पिथौरागढ़ उत्तराखंड, हैज़ पास्ड अवे। अब आपको इसमें बताना है कि हरि सिंह थापा जी है कौन से स्पोर्ट के लिए फेमस थे। हरि सिंह थापा क्या वो क्रिकेट के कैप्टन थे, आपको याद, ये तो सर्टेनली आप एलिमिनेट कर सकते हो कि आपको पता हो ना, क्योंकि आपको शायद क्रिकेट से थोड़ा लगाव हो या क्रिकेट के बारे में पता हो, तो ये तो नहीं थे, बॉक्सर, फुटबॉल, कुश्ती। अब तीनों में आपको देखना है कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन टू बॉक्सर थे, वो बॉक्सर के कप्तान थे। ठीक है, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये नाम काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रहा है हमारे उत्तराखंड की हिस्ट्री में, उनको जो है काफ़ी सम्मान मिला है, तो हमको ये जो है नाम याद रखना है, और ये किससे रिलेटेड थे, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे, ये हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कैप्टन थापा हु वॉन वेरियस अवार्ड्स वॉज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट इन डैश, कब दिया गया था इनको, 2013 में जो है इनको 2013 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, और मैंने आपको बताया ये बॉक्सिंग से रिलेटेड थे, बॉक्सिंग जो है इनका गेम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फिर।
चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज़ नॉमिनेटेड डैश अ रेजिडेंट ऑफ डोईवाला एज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टेट लेवल स्पोर्ट्स काउंसिल। तो प्रेजिडेंट स्टेट्स लेवल स्पोर्ट्स काउंसिल के किसको जो है प्रेजिडेंट चुना गया है ये आपको बताना है। इसका आंसर अरुण कुमार सूद है, इसका आंसर अरुण कुमार सूद है। तो अरुण कुमार सूद जी को जो है पे ये इनके बारे में थोड़ा सा बताना होना चाहिए कि ये जो है वॉलीबॉल प्लेयर है, वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है। तो इनको जो है स्टेट लेवल स्पोर्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट जो है बना दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव माउथ टनल फाउंड इन लखनपुर ऑफ चौकुटिया इन डिस्ट्रिक्ट। अब आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाई गई है, चौकुटिया के लखनपुर के पांच मुंह वाली सुरंग कहाँ मिली है, पांच मुंह सुरंग वाली जो सुरंग है कहाँ मिली है। अल्मोड़ा में जो है ये मिली है, आपको जो है याद रखना है। इसको भी एज अ टूरिज्म टूरिज्म की साइट जो है टूरिज्म साइट की उसमें इसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो अल्मोड़ा में जो है पांच मुंह की टनल जो है, पांच मुंह की जो गुफा है इसको बोलते हैं हिंदी में, ये हमें मिली है अल्मोड़ा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज स्टार्टेड अ नेशन वाइड कैंपेन आपके द्वार रीच हरिद्वार टू डिलीवर गंगा वाटर एंड इंस्पिरेशनल लिटरेचर फ्रॉम डोर टू डोर। तो किसने ऐसी संस्था ने कहाँ एक मुहिम चलाई जहाँ पे आप गंगा जल और प्रेरणादायक साहित्य जो आपके घर पे जो है पहुँचाया जाएगा। तो किसने चलाई है जो है, काफ़ी बच्चे इसको उत्तराखंड मार्क कर देंगे, लेकिन जो यहाँ पे ट्रिक है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये नहीं चलाई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं चलाई है। इसका आंसर ऑप्शन टी गायत्री तीर्था शांति कुंज है, गायत्री तीर्थ शांति कुंज है। ये भी जो है हरिद्वार की एक संस्था है, ठीक है, हरिद्वार में ही है ये संस्था, ठीक है, उसने चलाई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं चलाई है, इसमें हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कैच है, इसको जो है थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है इस तरह से बनाए गए तो बच्चे जो है ज़्यादातर उत्तराखंड गवर्नमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ पे आंसर नहीं है, गायत्री तीर्था शांति कुछ इसका आंसर है, ठीक है, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। एक सेकेंड, जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिजास्टर स्ट्रक चमोली उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑन फरवरी 7, जो आपको पता है कि 7 फरवरी को हमारे उत्तराखंड में एक फिर से ट्रेजेडी हुई थी, काफ़ी बुरी ट्रेजेडी थी ये। तो ये एवलांच जो है एक जो है ग्लेशियर का जो है एक टुकड़ा यहाँ पे गिर गया था, ऐसा माना जाता है कि एक ग्लेशियर का टुकड़ा जो है नदी में गिर गया था और उसकी वजह से जल स्तर जो है बढ़ गया। तो आपको बताना है कौन सी ग्लेशियर का जो है टुकड़ा गिरा था, क्या ये मिलम ग्लेशियर था, क्या ये रौंथी ग्लेशियर था, क्या पिंडारी था, क्या काफनी था। तो इसका आंसर ऑप्शन टू रोथानी रौंथी ग्लेशियर का जो है टुकड़ा गिरा था, रौंथी। तो आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये तो शायद आ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट की मार्क इम्पॉर्टेंट मैंने इसको मार्क कर दिया है। आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि रौंथी ग्लेशियर का जो है टुकड़ा जो है नीचे नदी में गिरा था, इसको हैंगिंग ग्लेशियर बोला जाता था, हैंगिंग ग्लेशियर जो है ऐसा ग्लेशियर जो टंगा हुआ हो, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर में ग्लेशियर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पानी नीचे बह रहा होता है वो भी जम जाता है। तो ऐसे ऐसे करके ये ग्लेशियर बन गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसको हैंगिंग ग्लेशियर इसलिए बोलते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, द सडन फ्लड हैपन्ड इन द धौली गंगा ऋषि गंगा एंड द अलकनंदा रिवर्स विच आर लिंक्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश। तो आपको बताना है कि धौली गंगा ऋषि गंगा और अलकनंदा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, काफ़ी सिंपल सवाल है। गंगा जो है इसका आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है उत्तराखंड की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे देख लिया ऋषि गंगा धौली गंगा अलकनंदा जो है और भागीरथी भी है, भागीरथी, ठीक है, ये जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज है गंगा की जो उत्तराखंड में बहती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एट विच प्लेस इन चमोली डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ ग्लेशियर ब्रेक डाउन अकर्ड। अब ये फिर से वही जो हादसा हुआ था उसी पे एक क्वेश्चन और हमने बनाया कि कौन सी जगह पे, हम सबको पता है चमोली जिले में हुआ था लेकिन ये कहाँ पे हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा, मैं आपको एक सेकंड देता हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन थ्री रेनी विलेज है, ठीक है, रेनी विलेज में जो है ये हादसा हुआ था, ठीक है। तो रेनी विलेज अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था,
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम ये लेक्चर जो है पहला ख़त्म करते हैं। लेक्चर वन जो है ख़त्म हो चुका है। मैं जो है ज़्यादा वीडियो लंबी ना कर नहीं मेरा पर्पज़ जो है जो वीडियो जो है 30 से 40 मिनट की हो, सो दैट जो स्टूडेंट है जो ज़्यादा जो है लंबी वीडियो देख के थोड़ा आलस ना कर जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट की मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट के माइंड में थोड़ा बर्डन सा नहीं बनेगा, क्योंकि हम जब लंबी वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि जब टाइम होगा तब देख लेंगे तब देख लेंगे। लेकिन ये वीडियोस मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपको जब आपके सामने आए आपको तभी इसको जो है ख़त्म कर देनी है। क्योंकि अगर ये आप जो है सोचेंगे कि मैं इसको बाद में करूँगा, तो ये जो है ये पाइल अप होती रहेंगी। और अगर आप पाइल अप हो गई तो मुझे लगता नहीं कि आप जो है उस चीज़ को एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे। टाइम बहुत कम है, आपको जो है डिसिप्लिन जो है रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और आपको जो है फटाफट सारी वीडियो जो है एक एक करके जो है ख़त्म कर देनी है, ठीक है। मैंने इससे पहले करंट अफेयर का क्रैश कोर्स भी चलाया था, आपको वो भी करना है। मैं ये MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लेक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं हर एक लेक्चर में आपको बता रहा हूँ कि वो जो है एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हॉट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने कवर किए हैं, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो अगर वो टॉपिक्स आप कवर नहीं कर रहे तो शायद आपके लिए जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, ठीक है। करंट अफेयर के लेक्चर्स का मैंने 5 लेक्चर्स में डाल दिए थे, इसका जो है MCQ फॉर्मेट में मेरा पहला लेक्चर है, इसके साथ और लेक्चर्स आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। एंड जिन लोगों ने देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये स्लाइड्स बनाने में, रिसर्च करने में, ये सारी जो है टाइपिंग वाइपिंग करने में बहुत टाइम लगता है। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ मैं जो चीज़ें सब फ्री में कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है थोड़ा मेरे को सीरियस ना लो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। मेरे को लगता रहे कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा आ रहा है, और मैं आगे वीडियोस और आपके लिए बनाता रहूँ एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।